मिस क्यून ऑफ हिमाचल फैशन शो कार्यक्रम आयोजन मनाली में पिकडली में अलायंस अकादमी कुल्लू द्वारा किया गया, जिसमें जिला हमीरपुर के गांव करियाली की 20 वर्षीय वैशाली ठाकुर सुपुत्री संजय कुमार माता सपना ठाकुर ने भाग लिया। इस फैशन शो में हिमाचल की कई लड़कियों ने भाग लिया, जिसमें वैशाली ठाकुर ने रनर अप रहकर अपने माता पिता व जिला का नाम रोशन किया। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में वैशाली न केवल रनर अप रही बल्कि उसे बेस्ट रैंप वॉकर की उपलब्धि से भी फैशन शो संचालक सरिता द्वारा नवाजा गया। हिमाचल की लड़कियों में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाकर वैशाली ने जिला हमीरपुर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। वैशाली ठाकुर अब गोवा में होने वाले फैशन शो में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस फैशन शो में हिमाचल में दूसरा स्थान प्राप्त करने के उपरांत पैतृक गांव करियाली पहुंचने पर परिवार के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। विदित रहे कि वैशाली ठाकुर 3 भाई बहन हैं, जिनमें वैशाली सबसे बड़ी है। उनके पिता हमीरपुर में मेडिकल स्टोर चलाते हैं तथा माता सपना ठाकुर गृहिणी हैं। वैशाली ने बीएससी की हुई है, वर्तमान में शिमला से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही है। वैशाली ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि मुझे इस मकाम तक पहुंचने में मेरे नाना नानी व माता पिता का अपार मार्गदर्शन व सहयोग मिला है, जिसका सारा श्रेय नाना नानी को जाता है। उन्होंने कहा कि फैशन शो में भाग लेने के लिए मेरे माता पिता ने मुझे प्रेरित किया, जिसके चलते हिमाचल के मनाली स्थित पिकाडली में आयोजित हिमाचल क्यून फैशन शो में भाग लिया। उन्होंने कहा कि फैशन की दुनिया में जिला हमीरपुर का नाम रोशन करना मेरा उद्देश्य है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कैप्टन नाना जयचंद ने बताया कि उनकी धोती विशाली बचपन से ही होनहार मेहनती किस्म की रही है। पढ़ाई के साथ साथ स्कूल स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में बढ़कर हिस्सा लेती रही है। साथ ही इसे फैशन का काफी शौक है, जिसके चलते जिला का नाम राज्य का नाम आज इसने रोशन किया है। इलाके के बुद्धिजीवी लोगों ने वैशाली की सफलता के लिए उसके माता पिता नाना नानी को ढेर सारी बधाई दी, वो साथ ही गोवा में होने वाली प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी।